पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद कहते हैं कि अफगान अमन के हसूल की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका और तालिबान के माबैन तय पाने वाला मुआहदा एक संगे मील की हैसियत रखता है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद का कहना है कि पाकिस्तान ने इंतहाई संजीदगी और इखलास से अफगानिस्तान में अमन के कयाम के लिए कोशिश की है और वो इस मकसद के हसूल के लिए अपना तआवुन भी जारी रखेगा। डॉक्टर असद मजीद ने कहा कि अमरीका और तालिबान के माबैन तय पाने वाला मुआहदा एक संगे मील की हैसियत रखता है। ये मुआहदा जाहिर करता है कि अफगान फरीकैन भी आपस में अमन की खातिर मिलकर काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान में देरपा अमन का कयाम उसी वक्त मुमकिन है जब अफगान हुकूमत और तालिबान इसे मुश्तरक मकसद समझ कर अमन अमल को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत इस बात पर यकीन रखती है कि किसी भी फर्ज या गिरोह को पाकिस्तान की सरजमीन खत्ते में दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मलेका सरहद पर हकानी ग्रुप समेत जंगजुओं और दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयाँ की और अब पाकिस्तान के कबाइली इलाकों को दहशतगर्दों से पाक कर दिया गया है। इस इलाके को कौमी धारे में शामिल किया गया है।